नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सहज मित्र पोर्टल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सहज से एक्सिस बैंक का वीसी पॉइंट किस तरीके से मिलेगा और किस तरीके से इसमें लॉगिन किया जाता है। तो मैं दोस्तों सहज की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूजर और पासवर्ड दोस्तों डाल दिया है। अब यहाँ से हम दोस्तों इसको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका मेन डैशबोर्ड आ जाएगा और आप यहां पर देख भी सकते हैं। अभी दोस्तों एक्सिस बैंक का वीसी पॉइंट यहां पर लाइव भी आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है। कंपनी की तरफ से ऐड चल रहा है। जिस किसी भाई को भी एक्सिस बैंक का वीसी पॉइंट लेना है वो ले सकता है। और मेरे द्वारा दोस्तों इसका रिटेलर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है। और किसी भाई को भी दोस्तों ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो वो भी बन सकता है। रिटेलर आईडी तो दोस्तों मैं आप सभी को देता ही हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दोस्तों आप लोगों को हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही में दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का भी यहाँ पर सीएसपी का दोस्तों ऐड आ चुका है कंपनी में। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का भी अब सीएसपी आप लोगों को दिए जाएंगे और काफ़ी जगह दोस्तों लोकेशन ये निकल रही हैं। आपके क्षेत्र में भी दोस्तों लोकेशन आ सकती है। तो आप लोग जल्द से जल्द सहज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन करा के भी आप अगर रख लेते हैं या दोस्तों इसका एपीएस भी आप चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। जैसे ही आपके नज़दीक में बैंक ऑफ बड़ौदा से लोकेशन आती है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का भी दोस्तों सीएसपी ले सकते हैं। और एक्सिस बैंक का तो दोस्तों ऑल इंडिया में प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ बैंकिंग ऑप्शन पर। यहाँ पर एक्सिस बैंक का लिंक होता है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक्सिस बैंक के तीन लिंक यहाँ पर आ जाएंगे, एक्सिस बैंक, एक्सिस सीआरएम। यहाँ से लोन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और अकाउंट ओपनिंग के लिए एक्सिस का ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एक्सिस ई केवाईसी का ऑप्शन आता है अकाउंट ओपनिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। आप एक्सिस बैंक के ऑफिशियल लिंक पर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग का कार्य मिलता है। यहाँ पर रिज्यूम जर्मनी देख सकते हैं, रिफंड देख सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं कि कस्टमर का अकाउंट यहाँ पर दोस्तों ऐड हुआ है नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश नंबर डालता हूँ और फेस अकाउंट डिटेल पर क्लिक करूँगा तो कस्टमर के दोस्तों अकाउंट पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को लेकर आपको सबमिट करना है और अकाउंट दोस्तों एक्टिवेट हुआ है या डीएक्टिवेट है वो दोनों चीज़ यहाँ पर दिखाई दे देंगे। तो अकाउंट आपका हैंड टू हैंड चालू हो जाता है और दोस्तों फिंगर से जो पैसे निकलते हैं वो 24 घंटे बाद आपका दोस्तों अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। तो अभी मैं आपको अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन भी खोल के दिखा देता हूं दोबारा से। दोस्तों यहां पे क्लिक कर देते हैं, फिर से हम यहीं पर आएंगे, फिर यहां पर ओपनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट सिलेक्ट भारत बचत सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। अभी दोस्तों आप लोग सहज से विदाउट पैन कार्ड के भी अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। मात्र दोस्तों 5 मिनट में अकाउंट ओपनिंग हो जाता है और पैन कार्ड के अनुसार भी दोस्तों आप अपना यहां पर अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों बायोमेट्रिक आपको मिल रहा है अकाउंट ओपनिंग का कार्य। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी दोस्तों एक्सिस बैंक का वीसी कोड लेना है तो आप संपर्क कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और सहज से संबंधित वीडियो दोस्तों हमारे इसी टेक्निकल रणजीत चैनल पर मिलती रहती हैं। आप हमारे YouTube चैनल की ऑल वीडियो चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग वीडियो सारी मिल जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं वो दे रखा है, रिटेलर आईडी कैसे बनानी है सब दे रखा है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और किसी को भी कोई प्रकार की समस्या आती है ऑल इंडिया में दोस्तों तो आप मेरे से संपर्क कीजिए, जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों मैं सारी कोशिश करूंगा आपकी समस्या दूर करने की।